मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने पदभार संभालते ही कुछ जरूरी फैसले लिए हैं, जिसमें धार्मिक या सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों को हटाए जाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश जारी किए गए हैं। बता दें, आदेश मध्य प्रदेश के गृह विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, मांस और मछली के विक्रय पर रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जो 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। आगे डॉक्टर यादव ने कहा, इसके लिए खाद्य, पुलिस और नगरीय निकाय विभाग का संयुक्त अभियान चलाया जाएगा और लाउडस्पीकर और डीजे के माध्यम से ध्वनि को रोकने के लिए ध्वनि प्रदूषण की जाँच व्यवस्था होगी। बता दें, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदान से 3 दिन पहले मंच से खुली चेतावनी दी थी कि साल 2018 में कांग्रेस की सरकार ने महाकालेश्वर मंदिर के लाउडस्पीकर बंद कर दिए थे और उन्होंने इस मामले में कांग्रेस नेताओं को जमीन में गाड़ने तक की धमकी दे डाली थी। लाउडस्पीकर की चेतावनी को लेकर कैबिनेट की पहली बैठक में इसका असर देखने को मिला। मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करते ही मंत्रिपरिषद की बैठक ली, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला और राज्य के मुख्य सचिव वीरा राणा और कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैठक में जन कल्याण से जुड़े प्राथमिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने विभागों की कार्य प्रणाली में तेजी लाने और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को कुछ विशेष निर्देश भी दिए। बता दें, मोहन यादव ने भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने पीएम मोदी और राज्यपाल मंगू भाई की मौजूदगी में शपथ ली है और इसके साथ ही राज्यपाल ने जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने के लिए मैं पार्टी आलाकमान का आभारी हूँ और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। ये बीजेपी का चरित्र है जो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा किया और मध्य प्रदेश की जनता के लिए मुझे काम करने का अवसर दिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।